हाँ, ठोस, द्रव और वायु तीनों में होता है। क्या ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम होना आवश्यक है? संचरण के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है कि नहीं है? है। ध्वनि का संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव और गैस में संचरित हो सकती है। ये वाला जो उदाहरण था, ये कौन सा उदाहरण था? ठोस, क्योंकि ध्वनि का संचरण यहां से हम लोगों ने जब मुंह में बोला तो इस धागे से या वायर से, टेलीफोन में जो होता है, यहाँ तक आवाज पहुंची। तो ये उदाहरण हमको बताता है कि ध्वनि का संचरण ठोस में भी होता है और वायु में तो हो ही रहा है। वायु में तो संचरण हो ही रहा है, जब हमारे कमरे में वायु भरी हुई है तभी तो हमें सुनाई दे रहा है। और मैंने पानी में भी बताया था, सब लोगों ने घर में किया, पानी के अंदर मतलब बाल्टी भरो पानी की और हाथ जोर से ताली बजाओ तो सुनाई देती है कि नहीं? हाँ, और पत्थर दो टकराएंगे तो हल्की सुनाई देती है, लेकिन सुनाई तो देती है। ठोस, द्रव और गैस में होता है, तीनों माध्यमों में होता है। और तीसरा पॉइंट, अभी जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये केवल सामने जा रही है? कहाँ कहाँ जा रही है? चारों तरफ। आपको भी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? आपको भी सुनाई दे रही है। और अगर मेरे पीछे कोई खड़ा हो उसको भी सुनाई देगी, और यहाँ तक कि अगर कोई बाहर खड़ा हो उसको भी सुनाई देगी। अगर आपने अभी आरती ऊपर से आवाज लगाई थी किसी बच्चे को, तो उसको नीचे आवाज सुनाई दी थी ना? हमारे पास वाले कमरे में कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं तो वो आवाज हम तक आ रही है, आ रही है। बाहर अगर कोई स्कूटर की हॉर्न बजाएगा या आवाज लगाएगा या ट्रेन चलेगी तो वो सारी आवाज हमें कमरे में सुनाई देगी। इसका मतलब कि ध्वनि संचरण का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, यह चारों दिशाओं में होती है। कहाँ होती है? चारों दिशाओं में इसका संचरण होता है। समझ में आया? ये तीन नियम होते हैं ध्वनि के संचरण के। जब हमने बांसुरी से आवाज निकाली थी तो हमने किस चीज का प्रयोग किया था? वायु के द्वारा आवाज निकाली थी। एक आवाज हम लोग वायु से फूंक कर निकालते हैं, एक आवाज हम लोग आघात मार करके निकालते हैं, एक आवाज हम लोग रगड़ के पैरों से रगड़ के या किसी भी चीज को रगड़ेंगे इस लकड़ी को तो भी आवाज आती है आघात करके, और एक और हमने आवाज बताई थी
कंपन कि अगर हम किसी धागे को या प्लास्टिक रबड़ को खींचेंगे और इसको तो कंपन के द्वारा जो कि सितार गिटार जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं इन सब में पैदा की जा सकती है। आज जो हम आपको लेसन पढ़ाएंगे वो है ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन शब्द आप पहले कभी सुने हो? परावर्तन शब्द पहला सुना है, याद भी किया है? बताइए किस लेसन में? प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन याद नहीं है किसी को? प्रकाश का परावर्तन किसी को याद नहीं है? ये बोर्ड भी किसी को याद नहीं है? ऑलपिन कांच किसी को याद नहीं है? याद है क्या क्या किया गया था उसमें? कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह से टकराती है तब वो वापस उतना ही कोण बनाती हुई वापस निकल जाती है। इसको हम लोग ने परावर्तन का नियम कहा था। तो जिस तरह से प्रकाश की किरण टकराती है किसी सतह से, तो जो हम लोग बोल रहे हैं, जो मेरी ध्वनि है, जो आपने बोला, वो भी तो हमने बोला था ना कि तरंगे होती हैं, इस तरह से ध्वनि की तरंगे। बताया था? तो ये ध्वनि की तरंगे अगर किसी सोर्स से टकराती हैं, जैसे जो मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज कहाँ जा रही है? चारों दिशाओं में। उससे टकरा रही है दीवार से सीधी, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, तुम लोगों से टकराएगी। कहाँ पर टकरा रही है? कान में। अगर कान बंद कर देते हैं तो सुनाई कम देने लगता है, ठीक है? अच्छा, ये तो हमारे शरीर से टकरा रही है तो हमारे कानों से टकरा के हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन दीवार से भी तो टकरा सकती है ना, किसी भी स्रोत से टकराती है। तो क्या ध्वनि भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है? करती है। क्या वो उस दिशा से टकरा कर वापस कहीं जाती है? जाती है। क्या हम इसका कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? ये क्या दिख रहा है? एक चार्ट पेपर है, एक बोर्ड है, जो कि हम लोग ध्वनि का परावर्तन करने के लिए इसको करेंगे। ये क्या है? बेलनाकार एक खोखला। खोखला है ना, दोनों तरफ से खुला है, यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी, है ना? एक बेलनाकार आकृति है जो कि खोखली है, ये भी है और ये भी है। हम समान आकार के दो बेलनाकार ये वाले ले लेते हैं। ये दोनों समान लग रहे हैं ना मोटाई में, ये भी और ये भी, दोनों सेम लग रहे हैं। अब हम लोग इसके बीच में एक पहले गत्ता रखते हैं, लकड़ी का माध्यम, मतलब ठोस माध्यम, और यहाँ पर हम इसको, बेटा एक जना हेल्प करने को आओ, किसी मतलब इस से एक कोण बनाते हुए इसको रखा मैंने, और ऐसा ही कोण सेम मैंने यहाँ पर भी रखा, ठीक है? और दोनों पहले बेलन के सिरे पर हम लोगों ने एक बच्चे को खड़ा किया। बेटा अंजलि आओ तुम, इस वाले पे अपना मुंह रख के और जोर से एक फूंक मारो, ये पहले, हाँ सामने बैठो, और तुम अब इस पे कान लगाओ। सुनाई दिया। करो फिर से। तुमने फूंक मारी, इस फूंक की आवाज यहाँ से होती हुई तुम्हारे पास आई, बिल्कुल क्लियर दिखाई दी। अच्छा, अब ताली बजाओ, मतलब इसके बिल्कुल पास में इसने ताली बजाई और वहां तक सुनाई दी। अब वो लकड़ी उठाओ, लकड़ी, ये लकड़ी का ही गत्ता है ना, सुनाई दे रहा है?
मतलब यहाँ से घूमकर पूरी आवाज यहाँ से निकलती हुई सुनाई दे रही है, जैसे मोबाइल फोन से आवाज सुनाई देती है, ऐसे हमने देखो यहाँ बजाई और ये आवाज यहाँ पर सुनाई दी। इस प्रयोग को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि दो समान बेलनाकार गत्तों का कुछ ढांचा लिया जो खोखले थे, खोखले हैं मतलब इसके अंदर से हम लोग देख पा रहे हैं, और बीच में एक लकड़ी का तख्ता रख दिया जो कि इसका मीडियम मतलब बीच में डिवाइड करने के लिए, और यहाँ से जो आवाज लगाई वो यहाँ से चलती हुई उस सिरे तक आ गई। अगर मैं यहाँ पर एक घड़ी रख दूं टिक टिक करती हुई, जैसे टिक टिक करती है ना घड़ी, ऐसे ऐसे टिक टिक, तो ये टिक टिक यहाँ पर भी सुनाई देगी, समझ रहे हैं? इससे क्या पता चला, इस प्रयोग को करने से क्या पता चला कि ध्वनि का भी परावर्तन होता है। मतलब ध्वनि भी जब किसी माध्यम से, मतलब ये ध्वनि की तरंग जब वो टकराती है किसी माध्यम से, जैसे ये कोई माध्यम है इससे टकराई, ठीक है, तो वो भी एक कोण बनाती हुई वापस लौट जाती है, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में हुआ था। प्रकाश के परावर्तन में भी यही हुआ था कि हमने यहाँ पे कांच रखा था, एक किरण टकराई और वापस लौट गई, और यहाँ पर हम लोगों ने एक लंब खींचा था तो उस लंब की जगह हमने गत्ते का इस्तेमाल किया लकड़ी के, और इन प्रकाश की अब हम ध्वनि की जो तरंगे हैं उनको देख तो नहीं सकते, सुन सकते हैं केवल, क्योंकि प्रकाश को तो हम देख सकते हैं, प्रकाश को देख सकते हैं कि नहीं? वो प्रयोग जो हमने करा था प्रकाश का परावर्तन वो लाइट में किया था, मतलब रोशनी में किया था। अगर अंधेरे कमरे में करते तो क्या होता? अंधेरे कमरे में होता नहीं होता, तो क्योंकि प्रकाश दिखाई देता है कि रोशनी है कि अंधेरा है, लेकिन ध्वनि तो चाहे रोशनी हो कि अंधेरा हो दोनों में संचरण करती है, करती है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक लकड़ी का तख्ता रखा है और हम लोग इसको ध्वनि को केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं, उस आवाज की तरंगों को, हमें आवाज की तरंगें दिखाई नहीं देती हैं। और महसूस करना मतलब क्या कि जब एक जगह से बोला गया और दूसरी जगह से आवाज सुनाई दी, मतलब कि वो ध्वनि की तरंगें चलकर वहां तक गई है। लेकिन जो इसका तो नियम एक पक्का था कि जो ये कोण बनाता है वो यही कोण बनाएगा परावर्तन में, लेकिन यहाँ अलग अलग वस्तुओं में जो ध्वनि का परावर्तन होता है वो अलग अलग नियमों से होता है, जैसे ठोस में ज्यादा, वायु में कम, द्रव में थोड़ा। आपने बोला कि पानी में करने से हमें आवाज बहुत धीरे सुनाई दी थी, मतलब ताली बजाने की, तो ये जो परावर्तन होता है जो टकरा के रेज वापस आती है ये हर माध्यम में अलग अलग होता है, समझ रहे हैं? जो प्रकाश का परावर्तन का नियम हमने पढ़ा था वो वायु में पढ़ा था, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में पड़ा था। सभी पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता है, धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। देखिए धातुएं और ये देखो, ठीक है, अब इसकी आवाज और इसकी आवाज फर्क है, मतलब ये ज्यादा अच्छा परावर्तक है, और ये लकड़ी, मतलब ये अगर इसको कर दूं और कम आवाज और तेज आवाज, तो इसीलिए कहा गया अलग अलग वस्तुएं ध्वनि का अलग अलग परावर्तन करती हैं। थर्माकोल, कॉर्क और कपड़ा, थर्माकोल जानते हैं सब लोग, जानते हैं थर्माकोल क्या होता है, और कपड़ा जो हम लोगों ने पहना हुआ है, और कॉर्क जो लकड़ी का ढक्कन होते हैं शीशियों पे लगे होते हैं कॉर्क, ये सब पता है क्या करते हैं, ध्वनि को अपने अंदर ले तो लेते हैं लेकिन वापस नहीं लौटाते। अगर मैं कपड़े के ऊपर इस डंडे को मारूं तो क्या आवाज होगी? नहीं, क्योंकि जो हमने आघात किया था जो ध्वनि थी वो उसने सोख ली, मतलब अवशोषित कर ली, और थर्माकोल पे मारने पर तो बिल्कुल नहीं, उसमें तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होगी ना, क्यों होगी? थर्माकोल के ऊपर अगर जोर से लकड़ी मारेंगे तो नहीं होगा कुछ भी, टूट जाएगा वो। तो कपड़ा, कपड़े के ऊपर भी देखो मार रहे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सब ध्वनि के अवशोषक कहलाते हैं।
ध्वनि का परावर्तन किया। अब कौन से तीन पॉइंट्स हमको लिखने हैं बताइए। सभी पदार्थों में ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता। सभी पदार्थों में ध्वनि का परावर्तन दूसरा पॉइंट धातुएं जैसे सोना लोहा ये सब धातुएं हैं, चांदी ये धातुएं क्या होती हैं? ध्वनि की अच्छी परावर्तक होती हैं। तीसरा पॉइंट थर्माकोल थर्माकोल कपड़ा और कॉर्क। कॉर्क मतलब कि वो जो खोखली लकड़ी होती है। थर्माकोल कपड़ा और कॉर्क ध्वनि के अवशोषक क्या हैं? ध्वनि के परावर्तन के बाद जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रतिध्वनि। क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। आप लोग कभी किसी खुले मैदान में गए हैं या खुला मैदान ना जैसे कोई बड़ा सा हॉल और उसके अंदर अगर हम लोग बहुत जोर से चिल्लाएं तो क्या होता है? मतलब हमारी आवाज दीवारों से टकराकर वापस हमी तक आती है। होता है ऐसा? कभी किसी ने कोई कुआं देखा है? देखा है कुएं के अंदर आवाज लगाओ क्या होता है? कुएं के अंदर थोड़ा सा झुक के एक आवाज जोर से चिल्लाओ तो लगता है वो चिल्लाहट वापस आ रही है हमारे पास वापस। मतलब वो अंदर गई और वो बाहर निकली वापस और हमारे तक आ रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। जैसे किसी मुंडेरदार कुएं के पास जाकर अगर जोर से ध्वनि उत्पन्न करें, ये जो आपने प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई इसका अभी अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा ना, ध्वनि का परावर्तन। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात हमें चीजें दिखाई देने लगती हैं, वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, इसी तरह से ध्वनि के परावर्तन के बाद वो ध्वनि फिर से हमारे कानों तक प्रतिध्वनि के रूप में वापस आती है। तो आप लोग सोचते हैं कि फिर ऐसा ही क्यों होता है, फिर यहाँ पर क्यों नहीं हो जाता ये सब चीज? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमरा खाली नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, तो उतना परावर्तन नहीं हो रहा है। जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में चिकनी सतह कहा था ना, मिरर होना जरूरी है, ऐसे ध्वनि के परावर्तन में कमरा खाली होना जरूरी है। अगर ये सब ऊबड़ खाबड़ हो गया ना, ये बोर्ड है, आप लोग बैठे हो, ये सब है, तो तब ये सब कुछ नहीं होगा। और कितनी आवाज जो हम बोल रहे हैं, तो अभी अभी आपको बताया गया था कि कपड़ा फर्नीचर हम लोग ये सब इसके अवशोषक है। अवशोषक है मतलब आवाज को ले लेते हैं। आप लोग सोचते हैं ना कि जैसे अगर थोड़ा सा भी बड़ा कमरा है
और हम लोग बिना माइक के बोलते हैं तो हमारी आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती है। पीछे वाले बच्चे कहते सुनाई नहीं दे रहा, कहते हैं ना कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर माइक लगा दें, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक तरंगों को ले जाता है। ये क्या है? प्रतिध्वनि। अगर हम लोग ऊपर से बिल्कुल टॉप फ्लोर जैसे स्टडी हॉल का वहां से जाके चिल्लाएं तो क्या होगा? नहीं तो नीचे या आसपास जो भी आवाज जाएगी क्या वो प्रतिध्वनि बनेगी? बनेगी। किसी ऊंची इमारत से अगर हम लोग चिल्लाते हैं तो उसका भी परावर्तन होता है, उसकी भी प्रतिध्वनि बनती है। एक मैंने कहा बताया कुएं के मुंडेर पर प्रतिध्वनि बनती है, और दूसरा हाँ और कहाँ पर? कुएं की मुंडेर पर किसी बड़ी इमारत के छत पर। ध्वनि का परावर्तन होता है और वह प्रतिध्वनि के रूप में हमें सुनाई देती है। ठीक है, ऐसी जगहों पर खड़े होकर चिल्लाने से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, और ये प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होती है वो ध्वनि के परावर्तन की वजह से ही उत्पन्न होती है।